हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बच्चों क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, हमने क्लास में मार्च मंथ में हम उसको कर रहे थे, तो एक्सरसाइज 2.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद हम मिसलिनियस एक्सरसाइज में टोटल आपके 20 क्वेश्चन है, उसमें से 1 से लेकर के 10 तक आई थिंक हमने कर लिए थे। आप लोग नोटबुक में चेक करना। तो उसके आगे के जो क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स है वो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ पीछे के। उसके बाद भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं समझ में आएगा, तो एक बार दोबारा से हम जब क्लास रेगुलर चलेंगे आपकी तो हम डिस्कस कर लेंगे रिविजन में, ठीक है। चलिए, तो हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? हम बच्चों डेसिमल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि कोई भी एक रैशनल नंबर होता है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है, और पी और क्यू हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके जो डेसिमल होते हैं, अगर इसको पॉइंट्स में लिखा जाए ना, तो दो प्रकार के होते हैं। या तो ये होगा टर्मिनेटिंग, और या फिर ये होगा, पता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आ गया? या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आ गया? और तो रिपीटिंग होता है बार वाला, डिजिट के बाद में कोई एक डिजिट्स का ब्लॉक होगा जो रिपीट होगा, जिसमें हम क्या बार लगा देते हैं, क्लियर है। अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग? तो ये मैंने एक्सरसाइज 2.4 से पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझाया हुआ है, एक बार फिर देख लेते हैं कि दो तीन स्टेप्स हैं इसके लिए। पी और क्यू को कोप्राइम बना लिया जाए, मतलब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप ये होता है। उसके बाद क्यू के जो है ना प्राइम फैक्टर्स हमको देखना है। तो अगर प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू यदि हम ऑब्जर्व करें डिनोमिनेटर के, समझ में आ गया, सिर्फ इसके हमको प्राइम फैक्टर्स देखना है। तो अगर क्यू के प्राइम फैक्टर्स हम देखें और यदि उन प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट में सिर्फ 2 और 5 ही हो, अकेले 2 भी चलेंगे, अकेले 5 भी चलेंगे, और 2 और 5 का मिक्स भी चलेगा। सो इसका मतलब इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म 2 × 5, 2^m, 5^n, जबकि हमारे क्या है बताओ, m n, n क्या है हमारे, ये हमारे हैं होल नंबर्स। समझ में आ गया? तो इस रूप में होता है, तो डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2 और 5 ही फैक्टर्स के रूप में आएंगे, सारे 2 हो सकते हैं, सारे 5 हो सकते हैं, एंड इट कैन ऑल्सो बी ए मिक्स ऑफ 2 और 5, ठीक है। और m और n हमारे होल नंबर्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऑनवर्ड्स, ठीक है, 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए सारे के सारे फैक्टर्स सिर्फ 2 ही हैं, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5 नहीं है, तो यहाँ जितने बार 2 है वो लिख देंगे और 5^0 है 0 लिख देंगे। मान लीजिए 5 ही हैं सारे के सारे, 2 नहीं है, तो 2^0, तो मतलब m और n की वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी आ सकती है, जो नहीं है वहाँ पावर 0 लग जाएगी, क्लियर है। तो अगर जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स के लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही दिखाई दे, देन इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि उसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई आ जाए, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस रूप में ना हो, तो इफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म 2^m × 5^n, तो ये हो जाता है बच्चों क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्लियर है। तो सिंपल सा चीज है। अब इसी जानकारी के आधार पर हमको क्वेश्चन पूछा है, समझेंगे ध्यान से क्या क्वेश्चन पूछा है। इफ पी एंड क्यू, पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा रैशनल नंबर होता है, ठीक है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड पी और क्यू इंटीजर होते हैं, इज ए रैशनल नंबर, बता दिया रैशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो इसके दो प्रकार के डेसिमल हो सकते हैं, समझ में आ गया, या तो होगा टर्मिनेटिंग या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो कह रहा है देन व्हाट कंडीशन अप्लाइज फॉर क्यू, क्यू के लिए क्या कंडीशन होगी, क्यू की कंडीशन पूछ रहा है, वेयर एज पी बाई क्यू इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये कैटेगरी है टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी पूछ सकते हैं, रट्टा नहीं मारना है आपको, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसकी कंडीशन क्या आएगी बताओ, प्राइम फैक्टर जो होते हैं क्यू, पहली बात तो ये कि ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, ठीक, और उसके बाद प्राइम फैक्टर जो क्यू के हैं वो इस फॉर्म में होने चाहिए। तो इसको कैसे लिख देंगे बच्चों, मैं रब कर रहा हूं ये, प्रॉपर आंसर कैसे लिखेंगे समझेंगे। आंसर फर्स्ट पी एंड क्यू मस्ट बी को प्राइम, पहली बात तो ये जरूरी है, उनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए कोई भी, वन के अलावा। एंड सेकेंडली क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ पी शुड बी ऑफ द फॉर्म 2^m × 5^n, ठीक है, किस लिए, फॉर ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आ गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए ये कंडीशन है, वेयर m
एंड एन क्या है हमारे होल नंबर्स हैं एंड दे कैन बी कहाँ से शुरू हो सकते हैं 0, 1, 2 समझ में आ गया। ये कंडीशन है किसके लिए क्यू के लिए। अच्छा अगर सेम क्वेश्चन होता हमारा यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाता तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा देते। समझ में आ गया इसका मतलब 2:2m और 5:n के सिवाय 2 और 5 के सिवाय कोई दूसरा फैक्टर भी अपीयर हो जाएगा। मे बी 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, 13 कोई भी दूसरा प्राइम नंबर हमारा आ सकता है। क्लियर है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सिंपल सा है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम 12th करने जा रहे हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। हमको पता है जो इरेशनल नंबर होते हैं बच्चों वो रूट के अंदर होते हैं, और कोई भी प्राइम नंबर हो या प्राइम नंबर का अलग अलग प्रकार के प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 लिख दिया तो इरेशनल है, 3 लिख दिया तो इरेशनल है। अब अगर मैं 2, 3 से इंटू कर दूँ तो एक्चुअल में ये तो प्राइम नंबर नहीं है, 6 तो नहीं है, बट प्रोडक्ट तो है अलग अलग प्राइम्स का, तो ये भी इरेशनल होगा, ये बाहर नहीं आ सकता, जोड़ा नहीं बन रहा ना किसी का भी बाहर नहीं, तो ये सारे नंबर जो होंगे इरेशनल होते हैं। तो आइदर वी कैन हैव यूनिक प्राइम नंबर्स विद इन द रूट या फिर वी कैन हैव द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर्स। तो ये सब क्या होते हैं हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब सीधा ये है अगर कोई नंबर रूट के निशान के रेडिकल के निशान के बाहर नहीं आ सकता जोड़े बना करके दैट मीन्स वो इरेशनल नंबर हो गया, और अगर सब कुछ बाहर आ जाता है देन इट बिकम्स रेशनल। ठीक। तो अभी आगे हमको एक क्वेश्चन दिया है, सिंप्लीफाई करना है इसको, कुछ चीज़ें अगर हो सके फैक्टराइज करके रूट के बाहर निकालनी है और हमको बताना है कि वो रेशनल है कि नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई करना है। क्या सिंप्लीफाई करना है? 2√45 + 3√20 और अपॉन में क्या दिया हुआ है हमको 2√5। अब मुझे बताओ रूट के अंदर ये तो इंडिविजुअल प्राइम नंबर है, इसको छोड़ दो, 45 और 20 कंपोजिट है तो इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। चलिए 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन आता ही होगा आप लोगों को, प्राइम नंबर्स 2 से नहीं जाता, 3 होता है 15 जा, 3 होता है 5 जा, 5 होता है 1 जा, जब तक 1 नहीं आता तब तक करना। तो इसके हम क्या आ गए 3 × 3 × 5। चलिए 20 का निकाल लो, 20 के प्राइम फैक्टर्स 2 10 जा होता है, 2 5 जा और 5 1 जा, तो इसके भी आ गए हमको। ठीक। तो ये रफ में साइड में निकाल के देख लेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज, इसको सिंप्लीफाई करना है, कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है क्या ये रेशनल है कि ये इरेशनल है। स्टेट वेदर इट इज रेशनल और इरेशनल, ये रेशनल है कि ये इरेशनल है। चलिए तो अब मुझे बताओ 2√45 + 3√20 अपॉन में है 2√5। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 और रूट 45 को मैं ले सकता हूँ 3, 3 और 5 का प्रोडक्ट, 3 × 3 × 5, 3 × 3 = 9, 5 = 45 प्लस 3 रूट 20 को मैं लिख सकता हूँ 2, 2, 5 और नीचे 2√5 है, इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि 5 तो खुद ही प्राइम नंबर है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ देखो ये जोड़ा बन गया, यहाँ जोड़ा बन गया, तो ये रूट के बाहर आ पाएंगे। तो बताओ ये पहले से तो बाहर है 2, 3 और आ गया जोड़ा बना के बाहर, रूट में सिर्फ बच गया 5, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, पहले से तो 3 है, पहले से तो 3 है और 2 बाहर और आ गया, रूट के अंदर बच गया 5 और यहाँ आ जाएगा नीचे 2√5। ठीक। चलिए 2 × 3 = 6√5 प्लस 3 × 2 = 6√5 और नीचे है 2√5। अच्छा देखो 6 × √5 फिर प्लस 6 × √5 तो कितना हो गया 12 बार हो गया रूट पांच, 12 times हो गया, जैसे होता है ना 6x + 6x 12x हो जाता है, तो √5 √5 6 बार ऐड हो गया, तो अगर 12 times √5 और नीचे कितना है 2 times √5 बच्चों ये कट गया और 2 कितना टाइम्स आएगा। तो हमने क्या पाया, इसको पूरा सॉल्व करते तो सब रूट गायब हो गया, सिर्फ हमको 6 आया और 6 हमारा क्या है रेशनल नंबर है। समझ में आ गया। तो लिख देंगे देयरफॉर, हम लिख देंगे सिंप्लीफाई कर चुके
इट इज अ रैशनल नंबर। समझ में आ गया, ये हमारा रैशनल नंबर है। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, वो देख लेते हैं क्या है। ये थोड़ा लेंदी है, मैं ऊपर तक का सब कुछ मिटा रहा हूँ, पूरा क्लियर करूंगा बोर्ड में। ध्यान से समझेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज एनी इंटीजर। चलिए 13th क्वेश्चन पे आ गए हम। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई भी जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो 4q+1 के फॉर्म में होना चाहिए या 4q+3 के फॉर्म में होना चाहिए, जबकि q क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेट x इज इक्वल टू ऑड पॉजिटिव, मान लीजिए वो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, x है। ठीक, तो मुझे बताओ क्या प्रूव करना है। टू प्रूव या टू शो x किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो होना चाहिए 4q+1 या ये होना चाहिए किस फॉर्म में, 4q+3। ये दो रूप होने चाहिए, वेयर q क्या है हमारा, सम पॉजिटिव, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो बच्चों ऐसे हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हमको किसी भी नंबर को q के साथ जो चीज़ होती है वो डिविज़र होता है, तो डिविज़र 4 मानना है और इसको डिवाइड करना है किसको, और x को डिवाइड करना है किससे, 4 से, तो डिविडेंड मान लेंगे x। ठीक है, तो लेट डिविज़र अप्लाइंग यूक्लिड्स डिविजन लेमा टू x एंड 4। ध्यान देना भाई, x को डिवाइड करूँ यदि मैं किससे, 4 से, तो पता नहीं कुछ क्वेश्चन आने वाला है और पता नहीं कुछ रिमाइंडर आने वाला है, ये तो होगा। ठीक है ना, और हमको पता है यूक्लिड की डिवीजन लेमा क्या कहते हैं, रिमाइंडर हमारे क्या क्या हो सकते हैं, रिमाइंडर हमारे 4 से कम कम होना चाहिए और 0 से स्टार्ट होकर के, तो इट कैन ओनली बी 0, 1, 2 एंड 3, यही हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा मैंने अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू एक्स एंड 4, तो एक्स मतलब डिविडेंड इक्वल टू हम ले सकते हैं 4q+ रिमाइंडर। समझ में आ गया, वेयर r इक्वल टू क्या क्या हो सकता है हमारा, 0, 1, 2, 3, ये हमारे r की संभावना है। ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है और जो भी डिविजर होता है उससे एक कम पे रुक जाता है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 नहीं बचेगा रिमाइंडर, उससे कम कम बचेगा। चलिए यहाँ पहुँच गए, अब मुझे बताओ हमारा x तो ऑड नंबर है, और ध्यान देना जब भी किसी ऑड नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है बच्चों वो सिर्फ ऑड ही बचेगा, इवन नहीं बच सकता। समझ में आ गया, चेक कर लेते हैं। चलिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा x 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 से बड़ा हम ले लेते हैं, एक बार 5 ले लेते हैं, एक बार 6 ले लेते हैं, एक बार 7 ले लेते हैं, मैं 3 लेके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए अब देखना ये हमारा ऑड नंबर है, 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 1 4, नीचे देखो रिमाइंडर ऑड बचा, ऑड नंबर को करते तो ऑड ही बचता है, इवन को करेंगे ना तो इवन बचेगा, 4 1 4, यहाँ 2 बच गया। ठीक है, फिर ऑड नंबर आ गया दोबारा से, 4 1 4, तो देखो ऑड बचा, ऑड नंबर को करने से ऑड बचेगा, इवन को करने से इवन बचेगा। अगला नंबर अगर मैं 8 ले लेता हूँ, 8 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो 4 2 8 कितना बच गया, 0 आ गया। ठीक है ना, 4 से करेंगे तो 4 2 8, तो देखो अगर इवन नंबर होगा तो 0 2 बचेगा, ऑड नंबर होगा तो 1 और 3 बचेगा। समझ में आ गया, तो अब मुझे बताओ ये चारों तो संभव नहीं है क्योंकि हमारा x हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है,
तो सिंस हमको पता है कि एक्स हमारा क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो रिमाइंडर जो संभावित होंगे वो हमारे सिर्फ वन और थ्री हो सकते हैं ऑड नंबर्स। तो हम लिख देंगे सिंस एक्स इजिकल टू ऑड इंटीजर, देयरफॉर हम लिख देंगे रिमाइंडर कैन नॉट बी जीरो एंड टू। जीरो टू तो संभव नहीं है, ऑड नंबर में क्या होंगे, सिर्फ क्या होंगे, तो देयरफॉर हम ले सकते हैं पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे हमारे, वन एंड थ्री। पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे हमारे क्या, वन और थ्री। तो एक बार बच्चों ये जो हमारी इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं, एक बार इसमें हम आर की जगह वन रख देंगे और एक बार रख देंगे आर की जगह हम टू रख देंगे, ठीक है। तो यहां मैं करके दिखा रहा हूं, पुट आर इजकल टू वन इन इक्वेशन वन, आर इजकल टू एक बार वन रख लेते, वन रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, एक्स इजकल टू फोर क्यू प्लस वन, ये लो ये देखो हमारा ये वाला रूप आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं पुट आर इजकल टू थ्री इन इक्वेशन वन, तो बताओ यहाँ पे हम आर की जगह थ्री रख देंगे तो एक्स इजकल टू आ जाएगा फोर क्यू प्लस थ्री, ये हमारा सेकंड वाला रूप आ गया, समझ में आ गया। तो हमने पाया यदि कोई भी नंबर है जो कि ऑड है और पॉजिटिव भी है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो किस रूप में होना चाहिए, फोर इंटू कोई पॉजिटिव इंटीजर प्लस या तो वन आना चाहिए प्लस थ्री आना चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे साबित कर दिया। तो इस प्रकार के हम और भी कई क्वेश्चन कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स में भी किया हमने, एक्सरसाइज में भी किया है, तो इसको अच्छे से आप समझ के नोट कर लेंगे। ये है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा लेंदी है, फिर इसको हम एक अगले वीडियो में कर लेंगे, 14th वाला थोड़ा लेंदी है, मैं अलग से समझाऊंगा इसको, 15th 16th एक 17th कर लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है, उसके बाद बीच में और समझा देंगे बाद में, एक 17th और बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, तुरंत कर दिया जाए इसको, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा नहीं तो। तो अभी एक बार हम बीच में 17th कर लेते हैं, फिर इसको बाद में छोड़ देंगे, ठीक है, बचे कुछ बाद में कर लेंगे। 14th वाला नेक्स्ट एक और वीडियो बनेगा, उसमें समझाऊंगा मैं। चलिए हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इजी है। क्या दे दिया हमको बच्चों, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है दो नंबर्स की, कि कोई भी दो नंबर जो हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर है अगर उसको इंटू कर दे तो किसके बराबर आता है, उनका HCF इंटू उनका, तो अब ये दोनों नंबर और HCF ओवर LCM में चार चीज होगी, इन चार में से कोई भी तीन चीजें पता हो तो हम एक चीज बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो देखते भी हमको क्या दिया है यहां पे, ठीक है, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमको दिया बच्चों दो नंबर दे दिए, समझ में आ गया, 306 एंड 657, तो टू नंबर्स 306 657, तो ये दोनों तो हमको दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद और क्या दे दिया हमको, हमको दिया है इनका HCF ऑफ 306 एंड 657, HCF ऑफ ये दोनों, ये हमको दिया है बच्चों 9, और पूछा क्या है, पूछा है LCM निकाल लो इन दोनों का ही, क्या आ जाएगा, तो हम ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, हमको प्रॉपर्टी पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF इनटू LCM, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दो का नंबर कौन से हैं, 306 इनटू 657, यहां लिख देंगे यूजिंग अबव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली यहां पे, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू उनका LCM इनटू HCF, अब LCM हमको पता नहीं है, LCM और HCF हमको पता है 9, तो ये 9 क्या है यहां पे नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 306 इंटू 657 डिवाइड में आ गया 9, यहां बच गया LCM, चलो 9 से काट लेते, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, इसको काट लेते थोड़ा बड़ा दिख रहा है, 9 7 63, कितना बच गया 2 लग गया इसके पीछे 27, तो 9 3 होता है 27, तो यहां आ गया 306 इंटू 73, ये आ गया LCM, तो फाइनली
एल सी एम इज इक्वल टू इंटू कर लेंगे 306 को इंटू करना है 73 से, 36 जा 18, 30 से 01, 33 जा 9, 76 जा 42, कैरी 4 आ जाएगा, 70 जा 0, यहाँ 4 ऐसा कैसा, 73 जा 21, 8 यहाँ आ गया 3, 9 और 4 13, 1 और 1 2, तो ये आ गया बच्चों कितना, 22 33 8, 2 2 3 3 8, तो ये हमने निकाल लिया क्या LCM। तो अब जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ के आप लोग नोट कर लेंगे।